फलक इतनी नफरत क्यों है भाई? जी नफरत, नफरत फैल रही है, नफरत हमें नहीं है, कौन फैला नफरत रहा है? बीजेपी वालों को है, हिंदुत्व वाली सोच वालों को नफरत है, इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि बस पूरे इंडिया में फैलाते जा रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आज नफरत इतनी फैल गई है, आज दिमाग में लोगों की इतनी गंदगी आ गई है, इतनी नफरत आ गई है कि क्या आज गंदगी होली आ का गई? त्योहार भी मनाते हैं, होली का त्योहार भी मनाते हैं तो बुरखे वाली औरतों के ऊपर होली फेंकते हैं, उनके ऊपर बदतमीजी करते हैं, फतरे फेंकते हैं उनके ऊपर, सैयदा उनके फलक, साथ बदतमीजी की सैयदा जा रही फलक, है। दो सैयदा मुस्लिम फलक, लड़कियों का सैयदा है, दुआ फलक, है, एक तो आप क्या होली बोल खेलने रही हैं, का कहाँ नाम बोल रही हैं, दो, बिल्कुल इस कुछ बात का ध्यान लोगों ने रखिए। दो मुस्लिम हमने लड़कियों आपको का रेप इनवाइट किया किया है, है, नफरत हमने इतनी आपको फैल गई इनवाइट है, किया है, इसका मतलब नहीं है कि मुसलमानों कुछ की भी रेप आएंगी और राजनीति बोलकर इतनी चली फैल जाएंगी। गई है। सैयदा आज फलक, बीजेपी के एमएलए अरे बनते राकेश, हैं, लोगों का बीजेपी काम ही सरकार है देश देश में में नफरत नफरत फैलाना, फैलाना। और खराब सैयदा फलक, होती मैं राजनीतिक बिल्कुल अलाउ गलियों नहीं में बनाए करूंगा, रखना, ये लोग बिल्कुल मुस्लिम अलाउ नहीं लड़कियों के करूंगा, स्तर को सैयदा काबू फलक, नहीं मैं कर बिल्कुल रहे, अलाउ नहीं देश को करूंगा। बांटने का काम जाकर कर जिस रहे हैं पार्टी को आप डिफेंड आप करती हैं ना, उन लोग, पार्टी के जनता नेताओं पूरे को देश की समझाइए, स्थिति से गुजर रहा है उन और आप पार्टी के यहाँ नेताओं पर को बैठे हैं, समझाइए। आप देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं, समाज में द्वेष फैलाने की बात करते हैं, इतनी जिम्मेदार तो ये अमरजीत, ठीक राजनीति है इनकी, है, देखिए कितनी जिम्मेदार राजनीति करते हैं। सैयदा फलक, उससे होली का क्या लेना देना? अगर किसी महिला के साथ अपराध हो गया, उससे होली का क्या लेना देना? होली से इतनी नफरत है क्या आपको? रंगों से इतनी नफरत है क्या आपको? किसी महिला नहीं दिख रहा इज्जत, वो इज्जत आपकी बातों में नहीं दिख रही है। हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए और हिंदू पर्वों के लिए सिर्फ नफरत दिख रही है आपकी बातों में। ठीक है अंबर, अंबर एक मिनट, अंबर शांत हो जाइए, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, सैयदा फलक रुक जाइए, सुन सुनकर अपनी बातें रखा करिए। किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो उसका किसी पर्व से कोई लेना देना नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज, एक एक करके अपनी बात रखा करिए। मुझे ये ना कहने पर मजबूर होना पड़े कि फला पर्सन की आवाज जो है वो डाउन करिए, ठीक है, या ना किसी महिला के साथ कोई अपराध हो गया, इसका किसी धर्म से क्या लेना देना? और क्या सैयदा फलक की बातों में हिंदू, हिंदुत्व, होली, रंगों के प्रति नफरत नहीं दिखी क्या? आप मुझसे पूछे, मैं वही बोल रही हूँ, याना मैं वही बोल रही हूँ, मैं सैयदा जैसी मुसलमानों की बात कर रही हूँ, नॉट एनी अदर मुस्लिम ऑन दिस पैनल, सिर्फ सैयदा जी से, मुझे सिर्फ सैयदा जी से पूछना है, क्या इसीलिए आप जैसे लोग एडवोकेट करते हैं लव जिहाद की, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदू लड़की अगर मुसलमान बने, हिंदू ज्यादा से ज्यादा अगर मुसलमान में कन्वर्ट हो गए तो कल कोई होली नहीं खेलेगा और हम पे कोई रंग नहीं फेंकेगा, ये आपकी उम्मीद है शायद, इसीलिए आपको रंगों से इतनी नफरत है आपको? अच्छा ये बताइए, वो दो लड़कों ने, दो मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़की को किडनैप करके, उसका रेप करके, उसका वीडियो निकाला और उसको ब्लैकमेल किया, क्या आपको ये सारी चीजों का पता है? श्रद्धा वालकर के साथ क्या हुआ क्या आपको पता है? क्या कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ क्या आपको पता है? क्या आप ब्रदर, आप कहती खुद को इंडियन कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, तो आपके इंडियन भाई बहनों पर क्या बीतती है? वो आपको कुछ उसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज वो हिंदू है, 84% हमारा देश हिंदू है, हमारे भाई बहन हिंदू है, लेकिन आपको उनके साथ नहीं जीना, ना उनके साथ त्योहार मनाना है, ना उनकी तकलीफों पे आपको ध्यान है, आपको सिर्फ मुसलमानों की ठीक, जब कोई बोलता है हिंदू के साथ जुल्म हुआ आप कहते हो जुल्म मुसलमान ने, ठीक है, याना 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 और फलक, आप दोनों लोग शांत होइए, याना और फलक, आप दोनों लोग शांत होइए, फलक फलक।